टाइम हो रहा है देखो 11:30 बज चुके हैं, 12 बजने वाले, और अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं 12 बजे। और ये लोग अभी कितने सिंगिंग किए, सिंगिंग कितने की है अभी? 2 hours। तो 2 घंटे से गा रहे हैं इनका, तो अनुराग भाई का तो गला ही बैठ गया, पूछो कितना कितना गाया इन्होंने, गला ही बैठ गया इनका। क्या चीज सिंगिंग कितने देर से कर रहे हैं अभी? अरे भैया बस एक घंटा। तो भाई 11 बज चुके हैं, अभी हम लोग चाह रहे हैं, देखो दिल्ली में मचाने वाले हैं, और हम लोग दिल्ली में इतना मचाएंगे, अब इतना मचाएंगे कि नंगा डांस होगा, नंगा डांस होगा, नंगा। तो बस अभी निकलते हैं, और अरीब और अली जो है वो मेरे साथ में है अभी, क्योंकि क्लासमेट है अनुराग के, साथ में पढ़ो ना तुम लोग यार। हम साथ हैं। तो अचानक कैसे मिल गए फिर यहाँ पे? बीटेक साथ में किया है। बीटेक साथ में किया है लोगों ने। हमारे साथ में बस। लग कैसा रहा अभी ये बताओ, हम लोगों के साथ कैसा लग रहा है? Yes, fantastic। मजा आया कि नहीं? Yeah, बिल्कुल। It was an amazing day, actually nice. Amazing night. We sang a lot. देखते हैं यार, पता ये लोग यहाँ, पता ये मकान देख रहे हैं ना आप, जितने भी बने हुए हैं सारे किराए पर दे रखे हैं लोगों ने। तो अभी चलते हैं और आंख लगाते हैं दिल्ली में, देखो दिल्ली के सारे बिगड़े लौंडे। अब बिगड़े नहीं, बहुत शरीफ, सबसे शरीफ, सबसे शरीफ, लेकिन अब बिगाड़ने वाले हैं ना। क्या अनुराग, अब बिगाड़ने वाले ना? ये कानों में क्या लगा रखा है तुमने? अब बाहर निकले हैं तो बिगड़ के ही नहीं, दूसरों को और बिगाड़ के आएंगे साथ में, बिगाड़ के आएंगे। तो दिल्ली में जो दीवार है उनको गिराते हुए सरकार ने दिया है पूरा, बिल्कुल दिया है भाई सरकार की। ये देखो कैसे खड़े हुए हमारे, क्या हो क्या गया आपको, ये तो बताए थोड़ा, चेहरा दिखाएं यहाँ पे। I'm feeling sleepy right now, so that's why I'm going to take tea. Tea? And this friends. अरे यहाँ चेहरा दिखाएंगे एक बार, थोड़ा अपनी आंखें दिखाएं, का कितनी नसीले हैं ना आपकी आंखें? बहुत ज्यादा नसीले हो गई हैं। मैं कल थोड़ा सा अपने आज किया है। एक मिनट, मैं कल 3 बजे सोया था, तो आज नाइट आउट है। नहीं, नाइट आउट है आज? ये पिछली 3 रात से सोए नहीं है, तो इन्हें जीत लिया के लाल है। नो, पिछली 3 रात से सोए नहीं है, इसलिए लाल इनकी आंखें हैं। निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ निकल रहे, कुछ पता नहीं, बस चलते जा रहे हैं, जहाँ चाय मिल जाएगी वहाँ रुक जाएंगे शायद, ये इन्होंने कहा है। रुकेंगे कि नहीं वहाँ जहाँ चाय मिलेगी? बस यही चाहिए और क्या। तो मैं आपको दिखा दूँ अभी तो थोड़ा, अभी हम लोग क्या है, हो सकता है 2 या 3 भी बज जाए लौटते वक्त। पिछली बार तो सेक्टर 18 से आगे भी निकल गए थे। शोर अब थोड़ा कम हो गया है, पोल्यूशन भी कम है, देखो रोडें लेकिन खाली हो चुकी हैं, बस अब आवारों की तरह घूम रहे हैं ये आवारा आशिक सारे। अच्छा ये बताओ गर्लफ्रेंड किस किस की है? आई हैड गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है भाई? नहीं है क्यों? लगता है सिंगल ही मरेंगे सारे लौंडे। आप गर्लफ्रेंड जरूर हो सकती है। लगता है सारे लौंडे सिंगल मरेंगे यहाँ के। नहीं भाई, अच्छा इनका इनका आप गर्लफ्रेंड हो सकती है। देखो ये है दिल्ली जो लोग कहते हैं कि कभी सोती नहीं है, सच में ये नहीं सोती है। अनुराग क्या कहना चाहेंगे, सोती है कि नहीं सोती है? ये जागने का टाइम है, यूथ का जागने का टाइम है। ये अकेले मुस्कुराते हुए बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे? पूछिए कुछ। मतलब क्या है, दिल्ली सोती नहीं है कभी, हमने सुना है, ये सही है क्या? ये एक्चुअली नोएडा है, दिल्ली नहीं है। अच्छा तो नोएडा तो सोता है ना, पूरा नोएडा सोता है, सारे लोग सो जाएंगे आज। सैटरडे नाइट है, संडे लग चुका है, तो आज हम लोग जागेंगे। अच्छा पूरे संडे जागोगे? मस्ती करेंगे हम लोग, अभी से आप 20 रुपये नहीं चलेंगे। हाँ तो आप लोग क्या है, IT में हो? हाँ जी हम IT में। फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि नहीं थोड़ा? अरे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, दिल चाहता है साला यहाँ से स्टार्टिंग में तो कि बस घर भाग जाऊँ किसी तरीके से। मैं इससे बात करता हूँ, मैंने कहा अनुराग यार घर चल रहे हैं। क्या कह रहे हो यार? हाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। अनुराग नहीं है कि बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होता ही है कि जब सब संडे खत्म होता है ना, हाँ जैसे मंडे आता है लग रहा है अभी अभी जब संडे की गर्लफ्रेंड मिली थी और आज ही फिर जब संडे की रात स्टार्ट होती है तो टेंशन सी होती है। कल मिली थी और आज ही फिर हो गया। अच्छा तो इस इंसान के साथ क्या होता है और? अच्छा सोनी आप कुछ कहना चाहेंगे इस दिल्ली आके आपको कैसा लग रहा है? हाँ
कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? नहीं, हम लोगों को सिंपल ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग गली बॉय हो चुके हैं। अच्छा, गली बॉय। एक नंबर सारी बात, मेरी गली में तेरी सर की आवाज, मेरी गली में गली बॉय। वो निकली तेरी गली से लेकिन अब वो मेरी गली में। चलो गली बॉय। अच्छा, गली बॉय हो गए हो, रैपिंग करोगे आप? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, सिंपल दिखा दीजिए आप। हाँ। ये देखिए गली बॉय हो गया है। ये तो गली बॉय नहीं, ये तो आशिक हो गया है। सर देखो, चाय मिल चुकी है हम लोगों को, अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे चाय मिल गई है। शुक्र नहीं तो अभी हम लोगों को कितना किलोमीटर चल के जाना पड़ता है लगभग? अगर चाय नहीं मिलती हाँ। तो अभी 2 किलोमीटर और पैदल। 2 किलोमीटर और ज्यादा? ज्यादा नहीं। कल कितने बजे लौट के आए हम लोग घर पे? कल हम लौट के आए हैं लगभग 3:30 बजे रात के। 3:30 बजे। अब और कहीं तो नहीं चलना अभी? चाय मिल गई है और कहीं चल? चाय नहीं है एक्चुअली, खत्म। चाय है, चाय है, लेकिन और दूर जाना है इनको। चाय बन रही है? बन रही है, बन रही है। यार इस बंदी को पैदल चलने में कितना मजा आ जाता आता है यार। तो देखो, ये है जो यहाँ की नाइट लाइफ है और ये यहाँ पर बंदे जो है वो चिल करते हैं, बियर दारू पीते हैं सब। ये लोग हैं जो फालतू की बात करते हैं और सब इंजॉय करते हैं इस टाइम पे। यही है बस थोड़ा जो भी है। तो एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहाँ पीछे, कुछ बंदे जो दारू वगैरह पी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है मैं उनके पीछे कैमरा ला के रखा है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो अभी यहाँ पर, ये जो कंपलसरी है यहाँ पर देश में हर हाईवे के ऊपर, ये तो नेशनल हाईवे रहेंगे तो उसके ऊपर ये जो है वो, और जो तिरंगा का देख रहे हैं आप, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। चाय जो है वो हम लोग की आ चुकी है। चाचा ये नाइट लगाते हैं? ये नाइट लगाते हैं? नाइट नहीं लगाते हो आप? कितने टाइम से चाय बना रहे हो आप ऐसे? आप बचपन कितने साल हो गए? कितने साल? 53 साल हो गया उनको चाय बेचते बेचते, लेकिन देख रहे हो ना अभी भी खुश हैं। तो है, लेकिन चाय जो है 6 साल की उम्र से चाय पर्सनली ले बना। क्या बात, एक हमारे पीएम भी जो है, मतलब पीएम को तो ले सकते हैं, लेकिन इंसान को ना एकदम खुश रहना चाहिए अपने काम में, पहले अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। ये कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे ये मैं दुखी हूं। रात के 12-1 बजे भी वो चाय इतने प्यार से पिलाते हैं। देखो अभी भी कितने प्यार से चाय पिला रहे हैं, फ्री सेवा है बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाले को ऐसे कहते हैं कि अब ये है थोड़ा कि पुलिस वाले थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, तो ये तो है थोड़ा रूल्स होना चाहिए कुछ ऐसे कि यार वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ऐसा कोई कोई। और ये उनकी वाइफ है, ये भी जमती आंटी थी, ये जो आंटी है जो पीछे आप देख रही हैं, ये भी जो है वो रात भर ये लोग मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी यार जो हम लोगों ने वो चाय जो है वो हम पी चुके हैं और हम जाने वाले हैं अब सेक्टर 18। देखते हैं वहाँ क्या करने वाले हैं। कुछ 12 से ऊपर तो हो चुके हैं, मतलब 12 से ऊपर हो चुके हैं और देखो घूम रहे हैं। कुछ पुलिस वाले भी बोल रहे थे क्या कर रहे हो, लेकिन देखते हैं अभी क्या करना है। कहाँ चल रहे हैं अभी, कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अभी बोटेनिकल गार्डन 24/7 अभी सेक्टर 18 बोल रहे थे। सेक्टर 18 उसके आगे, वहाँ भी चलेंगे क्या हो गया यार? ये तो बहुत दूर ले जाएंगे ये पैदल। चलो चलते हैं, चलना पड़ेगा भाई। देखो यार तो नींद भी आ रही है, लेकिन चलते हैं। और अभी एक शॉट मिस कर दिया हम लोगों ने तो भाई। यार ये जो निकला हुआ है ये नेशनल हाईवे है ना? हाँ, ये वाला हाईवे जाता है फरीदाबाद आपका। फरीदाबाद होके जाएगा ये? हरियाणा निकल जाता है सीधा ये। ये हरियाणा होके जाएगा ये वाला हाईवे? ऊपर जा रहा है ना, ये जो फ्लैग वाली लाइट्स लगी हैं। अच्छा, ये तो फ्लैग वाली लाइट्स, ये क्या इनका है क्या है? ये इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवे थे उन पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। चलो अब आपको सब जगह देखने मिलेगी, नेशनल फ्लैग लगेगा सारे हाईवे के ऊपर। तो देखो वो है नेशनल हाईवे। ये जगह कौन सी, अभी हम कौन सी जगह हैं? ये जगह है सेक्टर 37। सेक्टर 37 में अभी हम नोएडा फेमस है। यहाँ पे रोडवेज है यहाँ पे नोएडा का रोडवेज है ये, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ नोएडा। तो देखो आप होटल्स वगैरह जो है वो सब बंद हो चुके हैं और यहाँ पे आईटी सेक्टर के सारे कॉरपोरेट के सारे बंदे यहीं रहते हैं, ऑफिस आए और रहते भी यही हैं सारे बंदे। जो बोलते हैं कि भाई नोएडा में आईटी सेक्टर है वो अभी आगे आएगा, सेक्टर 18 के बाद वही स्टार्ट हो जाती है कंपनी, सारी कंपनी शुरू हो जाती है। चलो दिखाते हैं आपको और आगे। सर वो अभी चलते चलते हुए जो थोड़ा थक गए हैं, देखते हैं कि क्या है, एनर्जी भी थोड़ी कम हो गई है और हमारे इंडिया एनर्जी भी कम हो गई है थोड़ी। चलते हैं यार, क्या बना इनका यार, ये देखो सरकारी ठेके जो है वो हमारे सोनी जी ने ले लिए हैं। यहाँ के सारे सरकारी ठेके मजदूर वर्ग में शामिल होते हुए जाते आ रहे। अरे यार गलत।
तो अभी हम मेरे पीछे जो वो टावर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे शोर पता बहुत है और कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का शायद, लेकिन ये जो मेरे पीछे आप टावर देख रहे हैं ये दो, अब पता नहीं कि लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसका पूरा व्यू। सर वो ये टावर हैं दो यार, पता नहीं इसमें लोग कैसे रहते होंगे, हम दो नहीं रह सकते इसमें। हाँ थोड़ा महंगा भी है, चलो कोई नहीं। गली गैंग ओ दैट, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, आगरा 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 आगरा। आगरा 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 आगरा। तो अभी यार देखो रात का एक बज चुका है और अभी हम लोग यहाँ शायद नेशनल हाईवे पे आइसक्रीम खा रहे हैं। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कुछ बोले आप अनुराग, कुछ बोले आप कैसा भाई? बहुत बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है आज, फर्स्ट टाइम आपसे मिले, मतलब कल आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। यार कितने बजे से स्टार्ट कर देते हो? 4 बजे सोऊंगा। 4 बजे सुबह कितना मेहनत करते हो, घर वालों के लिए टाइम कैसे देते हो? शादी हो गई है? शादी हो गया तो बीवी और बच्चों को टाइम कैसे देते हो यार? इन सब लोगों को टाइम देता हूँ, 2 महीने यहाँ रहता हूँ, 2 महीने वहाँ रहता। नहीं बीवी बच्चों को टाइम देने की जरूरत भी नहीं होती है, मतलब पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, जगना पड़े जाए कुछ भी है, ये होना चाहिए। देखो भाई